लंबा बाल आप लोग देख रहे हो तो ये मैं काट दूंगा आज। ये आदि का रिएक्शन कैसा होता है? ए भगवान मेरा बाल लेती है दोनों। ये ना कभी कभी मुझे भी अच्छा लगता है। अपनी मर्जी चला लो। हाँ तो ठीक है। And welcome back to our channel Rainbow Sugar Adi Promi Vlogs. So guys, पूजा वाइफ शुरू हो गया, नवरात्रि शुरू हो गए, तो आप सबको हम दोनों की तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड गाइस, आज है वो दिन जब हम लोग जा रहे हैं आज पार्लर में। गाइस पार्लर में आज है दुर्गा पूजा का जो होता है, तो आज है द्वितीया। हाँ तो आज हम लोग अपना लुक चेंज करेंगे। गाइस मुझे एक बात बताना है। क्या? जो ये लंबा बाल आप लोग देख रहे हो तो ये मैं काट दूंगा आज। क्यों? तुमको तो बताया था मैंने। कब बताया था बे? अबे ऐसे मत करो, ब्लॉग चल रहा है। ऐसे मत करो क्या? नहीं मुझे बिल्कुल नहीं पसंद यार, तुम्हारे लंबे बाल मुझे पसंद है। मुझे अब गाइस आप लोग बताओ ये लंबा बाल मतलब कितना यार हो गया। बताएंगे उनको भी पसंद है। हाँ तो मुझे भी पसंद है, मेरी मम्मी को भी पसंद है, सबको पसंद है, तुम्हें पसंद है। हाँ। सबकी पसंद छोड़ के तुम अपनी पसंद करोगी? तुम ऐसे मत करो। नहीं यार ये बहुत बुरी बात है। ओके तो जो लोग गाइस नए हो बोल दो। अच्छा पहले बोल दो फिर बात करेंगे ये लेके, बोल दो। तो गाइस जो लोग नए हैं और हम लोगों को नहीं जानते उनके लिए बता दूं, ये प्रोमी द बंगाली गर्ल और आदि, और आप देख रहे हैं रेनबो शुगर आदि प्रोमी ब्लॉग। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर दो सब्सक्राइब। ओके तो अभी जाएंगे पार्लर में, आगे बहुत सारे वीडियोस आएंगे। इसके बकवास मत सुनो यार, ये बकवास कर रही है बेकार में, ठीक है? मैं इसको बिल्कुल नहीं करने दूंगा ऐसा कुछ। बाय द वे तुम जाओगे मेरे साथ? अगर तुम अपना बाल छोटा करवाने की सोच रही हो तो मैं बिल्कुल लेके ही नहीं जाऊंगा तुमको पार्लर, सोच लो ये तुम। तो गाइस ये अगर नहीं जाएगा तो मत जाओ, ठीक है? कोई बात नहीं, मेरी बहन लोग मेरे साथ जाएंगे। ठीक है जाओ तुम। तो मैं पैसा पार कुछ नहीं दूंगा। पैसा तुमको देना पड़ेगा ही, ये तो हो गया है बात। तो गाइस मेरा बाल देख लो एक बार आप लोग, ऐसे ऐसे करके। तो ये मैंने काट के देखो, इतना भी तो छोटा नहीं करूंगा ना, ऐसा नहीं है, बस ऐसा होता है पीठ तक। क्या बोलते, कैसे दिखाऊं यार, ये जो पीठ हाँ तो पीठ तक ही करूंगा, ठीक है? क्योंकि मैं ना इतना ज्यादा परेशान हो गया ये बाल लेके, इतना ज्यादा क्या बताऊं, पूरा खराब हो चुके हैं इसीलिए। तो ये फिर से क्या हो गया, देखो कैसा करते हैं ब्लॉग हो रहा है इधर पे। और इसका मतलब चले गए तुम ऐसा, मैंने तुमको पहले ही बता दिया है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तुम ब्लॉग में अगर ऐसे करोगे तो मुझे नहीं ब्लॉग करना है। मुझे भी नहीं करना है। मेरी बात नहीं, ऐसा नहीं है भाई, मेरा भी तो मर्जी है ना, कभी कभी मुझे भी अच्छा लगता है। अपनी मर्जी चला लो। हाँ तो ठीक है। तो गाइस इनका बात छोड़ो आप लोग, तो अभी हम लोग ऐसा नहीं है कि तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकते, तुम मर्जी चलाओ। अगर तुमको सच में दिक्कत हो रही है तो तुम काट डालो, ऐसा नहीं है, बस मुझे पसंद नहीं है, फिर देखते देखते फिर से ठीक हो जाएगा शायद। हाँ बस ठीक है, हो गया। हाँ ठीक। तो चलो अभी हम लोग चलते हैं, फिर आप लोगों से उधर पे जाके मिलते हैं गाइस। पहले बहन लोग आएगा फिर मिलते हैं गाइस, चलो। तो गाइस हम लोग नीचे आ चुके हैं और देखते हैं आदि का रिएक्शन कैसा होता है। पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक प्रैंक कर ही लेते हैं गाइस, ठीक है? लेकिन बाल तो मैं कटूंगा, छोटा ही करूंगा, देखते हैं आदि का रिएक्शन। आप लोग देखते रहो गाइस, अभी चलो नीचे। तो गाइस ये देखो ये दोनों आ गया है। ओए हाय कौन इतना रेडी होके आया है, क्या बताओ गाइस, कुछ नहीं बताने का है। ए पापड़ी अमी एत दूर छुलटा करबो एबारे, ভাল লাগবে? तो कैसा लगे? तो गाइस इन लोगों को मैं पूछती हूँ कि अगर इतना देर इतना कर लेती हूँ तो कैसे लगेगा? छापी लगेगा, छापी। अच्छा नहीं लगेगा? ठीक से बोल एकदम, क्योंकि मुझे इधर पे ऐसा ही रखना है। तो इन लोगों को भी अच्छा नहीं होता है। तो गाइस तुम बताओ कैसा लगेगा? हमें सीरियसली बोल हमें फेदर काटबो भाबी छोटो को क्या नो गाइस, ये लोग कैसा माँ के हमें देखा वो एके बारे गिए ए भगवान मेरा बाल लेती है दोनों।
चालू हो गया এতটা নষ্ট হয়ে গেছে তাই জন্য বলছি তো গাইস পতা নেই ইন লোগো কা রিয়াকশন কেসা হোগা জব মে মতলব বাল ছোটা কর লুঙ্গি দেখতে তো দেখে নিস আজকে আমি ফেদারি কাটবো ভেবে রেখেছি এবারে ঠিক আছে চলো দেখতে গাইস আবি এ লোক যা রে ফির মতলব মুঝে ছোড় কে যা রে হো তুম মুঝে ছোড় কে যা রে হো না হ্যাঁ हाँ ठीक है बाय। तो गाइस ये लोग चला गया है, देखते हैं उधर पे जाके आप लोगों को दिखाते हैं कि बाल कितना छोटा कर रही हूँ मैं। ठीक है चलो आ गया जाओ लेने आ गए तो चलो गाइस जाते हैं और इधर पे देखो भोदू को। मैं भी जा रही हूँ पार्लर में चलो। तो फाइनली गाइज हम लोग इधर पे आ गई हूँ और आने के बाद देखती हूँ कि बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और लेडीज़ का जो है ना तो उसमें तो बहुत सारा लेडीज़ लोग है कि मतलब लाइन लग गया था इतना ज़्यादा भीड़ है। फिर एक एक करके सबको वॉश करवाया है बाल में, देख सकते हो आप लोग। पहले पापड़ी का हुआ, फिर रोमी का हुआ और इधर पर आदि बोल रहा था यार कितना लेट हो गया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है, क्या बताऊँ गाइज। और इधर देखो आदि का भी स्टार्ट हो चुका है, आदि का भी वॉश वॉश जो भी है करना है तो उसने कर लिया है स्टार्ट। और मैं तब भी गाइस मैं बैठी हूँ लेकिन मुझे कोई भी आके नहीं पूछा कब करवाना है। फिर इधर पे फाइनली मेरा स्टार्ट हो गया। हाँ फाइनली मैं गाइस मतलब इतने देर बाद, हाँ तो मेरा वॉश वॉश करना कंप्लीट हो चुका है, मतलब अभी हो रहा है इधर पे देख सकते हो आप लोग। और इसके बाद मैं सोच रही थी कि कैसा मतलब कैसा स्टाइल मुझे अच्छा लगेगा, तो ये सोचते सोचते मैं कुछ फ़ोटो वगैरह ये सब दिखा रही थी। मतलब गाइस आज मैंने सोच लिया कि मुझे बाल काटना है, फाइनली मैं मेरा बाल छोटा कर दूंगा। मुझे ये मतलब मैं ये डिसीजन ले लिया था और पापड़ी को भी ये मैंने बोल दिया, आदि को भी बोल दिया। आदि मेरे से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, मतलब मेरे से ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। मतलब इधर पे आप लोग देख सकते हो कि इधर पे बैठे है, तो रोमी को मैंने बोला जाओ उसको थोड़ा ब्लॉग में लेके आओ, लेकिन ये मेरे से बात नहीं कर रहा था। कोई बात नहीं गाइस, तो इधर पे मेरा स्टार्ट हो गया बाल करना और अभी आप लोग देख सकते हो कि मेरा न्यू लुक गाइस। हाँ मेरा न्यू लुक ये देखो, फाइनली मैंने बाल काट लिया है गाइस। मेरा न्यू लुक आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताना गाइस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और इधर पे देखो पापड़ी खड़ा है, तो पापड़ी का हेयर देखो गाइस इतना अच्छा, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा उसका हेयर क्या बताऊँ गाइस। और मुझे भी इतना ज़्यादा मतलब मुझे ना मेरा न्यू लुक मिल गया गाइस। बाप रे बाप कितना कुछ करवाऊंगी तो इधर पे सब, और इधर पे मैं अच्छे से दिखाएंगे बाद में। फाइनली देखो मेरा हेयर कट हो गया है और कैसा लग रही है गाइस, ऐसे ऐसे छोटा छोटा बाल आप लोग देख रहे हो, कैसी लग रही हूँ बोलो। और इधर पे देखो इसको देखो दिखाओ तू ना जाने। ठीक है गाइस तो हो गया है कंप्लीट हेयर कट। हाँ तो मैं आपको पसंद है मेरा बाल, बहुत हाँ, ज्यादा गुस्सा हो गया था, बहुत पसंद है। अभी तक गाइस लोग को नहीं दिखाया है। हाँ मुझे अच्छा लग रहा है अभी। हाँ तो देखो छोटा करके इसको अच्छा ही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ओके तो दिखाते हैं पीछे। हाँ। पीछे का दिखाते हैं, आप पीछे घूम जाओ मैं पकड़ता हूँ फोन को। ओके रेडी वन मिनट टू थ्री सामने तो ये था टंटरन टंटरन नहीं काटा इसने गाइस, आज का प्रैंक हुआ आप लोग के ऊपर। मुझे तो पता ही चल गया उधर पे जाके कि ये नहीं करवा रही है। जब मेरा हेयर कट हो रहा था तब इसका तो अलग जगह पे हो रहा था गर्ल्स वाले सेक्शन पे, तो मुझे ना ऐसा लग रहा था अरे यार मेरा होने से पहले इसको लेके चले गए, जल्दी जल्दी जाता हूँ देखता हूँ। जैसे मेरा खत्म हुआ मैं भाग भाग के गया इसके पास ना, ये नहीं दिखा था ठीक है। हाँ। सिर्फ सामने का जो मैं आके ऐसे ऐसे पीछे पीछे देख रहा हूँ कहाँ गया, ये जो सामने है ना ऐसे ये देखा, तो इसने बोला तुम सच में क्या है प्रोमी। मैंने बोला अरे नहीं बाबा तुम ऐसे इधर पे मन शुरू हो जाओ ऐसे स्टार्ट कर, मतलब ये तो इधर पे ही स्टार्ट हो जाते हैं। फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना थोड़ा सा आप लोग के साथ कर लिया जाए प्रैंक। तो गाइस मैंने काटा है लेकिन
बस थोड़ा सा। जिसने काटता है ना मेरा बाल उसने यही बात बोलता है कि ठीक ही तो है, क्यों काटेगा, मतलब काटेगा तो। और काटने का मन ही नहीं करता जो भी होता है, जिस हाँ। भी पार्लर में जाओ सब लोग यही बोलते हैं। क्या बताओ इतना ज्यादा उधर पे भीड़ हो गया था ना उस टाइम, मेरा कटिंग चल रहा था नहीं तो वीडियो नहीं ले पाया। हाँ। तो जब मैंने उधर पे मतलब आके बैठे वॉश वॉश करने के बाद तो सब लोग आके आके देख रहे हैं मेरा, मतलब तीन जन मिलके चार जन मिलके इसका बाल सुखा रहे ड्राई कर रहे थे क्या कर सकते हैं यार इतना ज्यादा, क्या बताए सारा बात है ना, सब लोग आके आके देख रहे हैं। तो उधर का जो पार्लर का जो ओनर था उसने फोटो वोटो खिंचाया प्रोमी के साथ, बोला कि मैं अपने पेज पे अपलोड करूंगा वगैरह वगैरह। तो चलो फाइनली हो गया है कंप्लीट, मतलब पूरा एक साल बाद बाद में जाके बाल कटवाती। और गाइस अभी हेयर कट कंप्लीट हो चुका है, इसका तो छोड़ो इसका तो आप लोग देखते ही रहते हो, लेकिन मेरा वाला कुछ अलग ही है। और हाँ ये भी कर लिया गाइस, इतना मतलब जंगल हो गया था पूरा। गाइस पूजा का हेयर कट कंप्लीट हो चुका है, अभी जाते हैं नहाने, नहा के आते हैं फिर मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर के बाद, क्योंकि आज भी हम लोग जाएंगे शॉपिंग पे। यस चलो। तो गाइस फाइनली क्या बताओ रात हो चुके है और अभी हम लोग जस्ट घर पे आई हूँ, और आज ब्लॉग हम लोग बाहर जाके नहीं कर पाया गाइस, इतना ज्यादा भीड़ था क्या बताओ यार, मार्केट का भीड़ और ऊपर से सब लोग ऐसे बोल रहे थे आसपास से सुनाई दे रहा था कि बहुत ज्यादा फोन चोरी हो रहा है, पर्स चोरी हो रहा है, तो उसके डर से हम लोग फोन ही नहीं निकाले पॉकेट से और पर्स वर्स सब संभाल के रखे कि इतना ज्यादा भीड़ है ना तो ज्यादा चोरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है, और हाथ में इतना ज्यादा दर्द है तो गाइस इधर पे रख दिया है फोन बात करने के लिए आप लोगों से। हाँ तो फाइनली हम दोनों का शॉपिंग एकदम कंप्लीट कंप्लीट ना। हाँ अभी कुछ ऑनलाइन में पड़े हुए हैं वो आने बाकी है, इसका है मेरा इसका भी है। हाँ मेरा सिर्फ एक टॉप है और एक लिपस्टिक का है तो वो आएगा, बाकी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है एकदम। और सारा जो भी हम लोग ने खरीदा है सब दिन का जो है सब हम लोग गेट रेडी विथ मी बनाएंगे, अगर टाइम मिलेगा गाइस ठीक है, हम लोग को बनाना ही पड़ेगा, लास्ट टाइम भी हम लोग ने बनाया था और इस बार भी हम लोग बनाएंगे, जरूर बनाएंगे और बनाना ही पड़ेगा, मैं जबरदस्ती इससे बनवाऊंगा क्योंकि इसके जो कपड़े है ना इस बार बहुत ही मस्त मस्त कपड़े इसने खरीदे है, और आज की हेयर कट से वो बहुत ज्यादा सुंदर भी लगेगी ये मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, पता नहीं मेरी नजर में तो ये हर वक्त सुंदर है, और आज शायद आप लोग भी समझ सकते हो ये मेरी भावना है मेरी नहीं, फर्स्ट फर्स्ट ऐसा लगेगा कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है, लेकिन ये मतलब हो जाएगा डेली तो ठीक ठाक लगेगा। नहीं जो कपड़े इसने खरीदे ना मैं आई स्वेयर गाइस मुझे तो बहुत पसंद आए हैं और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड, मैं बोल देती हूँ गाइस नवमी का जो मैं पहनने वाली हूँ इसका बहुत ज्यादा पसंद आया। हाँ, वो कपड़ा बस इसका एक ही ड्रेस मुझे पसंद नहीं आया, और उस दिन मैं बता दूंगा कौन सा दिन था, बस एक ही ड्रेस मुझे पसंद नहीं आया, बड़ा अजीब सा लग रहा था मुझे, अभी शायद आप लोग को अच्छा भी लग सकता है, इसको बहुत पसंद है वो वाला फिर, और इसको मेरा एक कपड़ा अच्छा नहीं लगा है जो कि मैंने इसकी मतलब इसके साड़ी के साथ मैचिंग नहीं किया है, मतलब पहनने के लिए लिया था, ये साड़ी पहनेंगी तो मैं कुछ अच्छा पहनूंगा ना, तो उसी वजह से पता नहीं इसको भी अच्छा लगेगा कि नहीं, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा एक, और इसका बाकी जो है सब कुछ एकदम मतलब हीरो जैसा है गाइस। और इधर पे क्या बताओ दिखाओ, देखो गाइस अगर ऐसे दिखा दूंगी तो आप लोग तो बाद में मजा नहीं आएगा ना कि क्या, सिर्फ यही दिखाती हूँ मैं गाइस ये देखो सब कुछ इधर पे पड़ा हुआ है ठीक है, मतलब अभी हम ना डिसाइड कर रहे थे कौन से दिन पे कौन सा वाला पहनेंगे क्या नहीं करेंगे सब कुछ। हाँ। यही डिसाइड कर रहे थे, बाकी आप लोग देखना कि क्या पहनेंगे नहीं पहनेंगे सब कुछ दिखाएंगे आपको। आज हम लोग गए थे और उधर जाने के बाद मतलब इसका क्या खरीदने गए थे पता है, एक पैंट मतलब खरीदने गए थे तो पूरा एकदम मार्केट घूम लिया, तो इसको क्या है कि मेरा एक पैंट अभी ऑनलाइन में पड़ा हुआ है वो आएगा, और जैसे आ जाता है फिर एक और हो जाएगा, और एक और मुझे लेना था दूसरे एक शर्ट के साथ वो मैचिंग। गाइस मुझे ना ऐसा लगता है कि जो बॉयज लोग होता है मतलब बॉयज लोग जो होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बस तुम लोग शर्ट और टी शर्ट खरीद लो और जीन्स का क्या है,
ऐसा नहीं है भाई, मेरा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे हर एक चीज के साथ अच्छा अच्छा स्टाइलिंग करना बहुत पसंद है। तो इसको मैं ऐसे बोल रहा था कि क्या खरीदना है यार, जींस मत खरीदो मत खरीदो। इसने बोला क्या पहनू, मैंने बोला था बहुत कुछ पड़ा है, पता है गाइस ये जो वार्डरोब में है ना, इतना मतलब जींस वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है, बस एक बार काट के ये पहनता है। तुम क्यों खरीदते हो तब, तुम्हारा भी तो पड़ा हुआ है इतना सारा, इतने सारे लहंगा, इतना सारा बड़ा बड़ा मतलब क्या पता हो यार, इतने चमकीले चमकादार जैसे कपड़े, वो सब क्यों नहीं पहनती तुम, एक बार पहन ले बस। पहने तो मेरे मेरे लिए खरीद के रखिए। तो जब ये मैं ऐसा एक ब्लॉग बनाऊंगा जिसमें मैं इसके कपड़े पहनूंगा और ये मेरे कपड़े पहनेगी। सीरियसली यही पहन के बैठे थे ना? हाँ यही वाला था। हाँ तो अभी हम दोनों क्या कर रहे थे, जींस पहन के हम दोनों देख रहे थे कि किसका अच्छा है किसका अच्छा नहीं है, तो दोनों का ही अच्छा, मेरा बहुत ज्यादा अच्छा है। हाँ इसका जो जींस है ना, इसका जींस का जो वॉश है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, कलर बहुत अच्छा लगा मेरा भी, मेरे को बहुत पसंद आया है। मैंने खुद से लिया है ऐसा कलर, कि मेरे पास है नहीं एक भी ऐसा कलर का, सारा ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू, अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ तो मॉल में जाके फिर मेरा मन था कुछ और कलर लेने का, बट वो मिला नहीं मुझे अनफॉर्चुनेटली। और भी घूमना पड़ता गाइस, मतलब इतना ज्यादा भीड़ है, मतलब जैसे कि होता है ना कोलकाता में न्यू मार्केट स्प्लेनेट, तो अपना श्रीरामपुर भी ऐसे, श्रीरामपुर ऐसे ही बन गया है, मतलब इससे भी ज्यादा न्यू मार्केट में फिर भी थोड़ा चलने का जगह होता है, गाड़ी भगाने का जगह होता है, तो बिल्कुल जगह नहीं है, बिल्कुल जगह, मतलब कहाँ पे गाड़ी रखा है और कहाँ पे अगर अगर इधर पे गाड़ी रख रहे हैं, इधर पे गाड़ी रख रहे हैं और शॉपिंग करने जा रहे हैं इधर इतना भीड़ है, ऐसे ठेला मटके 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 तो आज हम लोग ने डिसाइड किया कि चलो उस टाइम पे जो भी था वो ब्लॉग नहीं लेते हैं, क्योंकि फोन निकालना बहुत दुष्कर हो गया था, इतना ज्यादा भीड़ था सब जगह और इतना ज्यादा चोरी वगैरह हो रहा था ना, क्या बताओ छोटा छोटा बच्चा। और हम जिस दुकान पे गए थे ना, एक दुकान पे गए थे, तो उस दुकान पे ना वो जो दीदी बैठी थी वो बोल रही थी कि अपना फोन वोन संभाल के रखो, क्योंकि चोर लोग ना सब घुस गए हैं अंदर। अरे आपको कैसे पता कौन है? अच्छा हाँ पता है, यही लोग चोरी करता है। अरे बाप रे, घुसा लेता हो भाई छोटा छोटा बच्चा लोग जो होता है ना, तो उन लोग ऐसे करते हैं और क्या कर सकते गाइस। और बाहर गए और बारिश भी आ गए गाइस। हाँ मतलब बारिश भी आ गया था, हम दोनों मतलब जब भी कहीं पे निकलते हैं तो बारिश आ ही जाता है, पता नहीं क्यों यार। गाइस मेरा एक ना कंप्लेन है आप लोगों से कि आजकल आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे यार। क्यों हम पढ़ नहीं रहे इसीलिए? अरे हाँ मतलब टाइम नहीं मिल रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कमेंट्स मत पढ़ो, बोरिंग हो जा रहा है, वीडियो कम दिख रहा है, ठीक है, और कमेंट्स ज्यादा हो जा रहा है, इस चक्कर में हम लोग कमेंट्स पढ़ना बंद कर दिए। और कमेंट्स हम लोग ने बहुत सारा पढ़े भी है, और हम लोग को ऐसा लग रहा था कि एक दो कमेंट पढ़ेंगे या फिर तीन चार कमेंट पढ़ेंगे, फिर देख रहे कि बाकी लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट किए, लोगों को छोड़ पूरा मान जाता है यार, क्या बताऊं। इस वजह से मैं हम लोग 10 मतलब 6-7 कमेंट तो पढ़ ही लेते थे एक टाइम पे, हर वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा था, तो ऐसे ऐसे करते करते। और गाइस मुझे एक बात बताना है कि और भी कुछ बाकी है, शॉपिंग नहीं है अभी बाकी है, कि क्या बोलते हैं स्किन केयर, ठीक है वो अभी होगा। मेरा पर्स ये लो ले लो यार, ले पर्स नहीं चाहिए, ऑनलाइन चाहिए मुझे। अच्छा तो पर्स में कुछ हमसे भी हो रहे तो निकाल के दे देता हूँ बस, और क्या और क्या कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, लो थैंक्स। नहीं मिलेगा और क्या करोगे, बट तुम्हारी जो वो सब करेंगे उसके पास मशीन नहीं है, उसको कैश या ऑनलाइन ही करना। हाँ तो मैं दुकान मतलब एटीएम पे जाऊंगी तो निकल कर आ जाऊंगी। हाँ ये भी कर सकती हो, और उसके बदले में तुम एक काम कर सकती हो। देखो गाइस मैं स्किन केयर करूंगा लेकिन इसके लिए भी मैं कुछ सोचा हूँ, ठीक है। नहीं मुझे नहीं करना कुछ। अबे तुम सुन तो लो पहले, ये तुम अपना कर रख लो। एक नहीं मेरे को कर लेंगे नहीं, इसके लिए क्या सोचा है पता है? इसका तो माइग्रेन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अभी स्टार्ट हो गया है, पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा हो रहा है दो तीन दिन से, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि इसको मसाज करूंगा, मतलब जो आएगा आएगी तो वो इसको बोलूंगा कि मसाज कर दो उसका हेड। गाइस क्या बताओ आज जिस पार्लर पे गए थे ना उसपे आए सब, मुझे तो विश्वास नहीं हुआ, बोला तो अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ, अगर विश्वास नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अब क्या ही कर सकता हूँ। ठीक है बोलो। तीन लड़की थी उधर पे, ठीक है, इसकी एज की होगी, इससे छोटी भी हो सकती है, पता नहीं क्यों यार
आके सब आके मुझे बस यही पूछ रहे कि कहाँ रहते हो आप, कहाँ रहते हो आप, कहाँ रहते हो, तीनों आके सेम सवाल पूछ रहे कहाँ रहते हो आप। अरे भाई रुक, बार बार क्यों पूछ रहे हो कहाँ रहता हो। हम लोग ना पास में ही एक नया पार्लर, पास में एक पार्लर है तो उधर पे गए थे। तो जिस मतलब हम लोग दोनों जिससे जाते थे जिस पार्लर पे, उधर का दीदी ना छोड़ के चला गया है। हाँ जिस पार्लर पे हम लोग जाते थे मतलब बराबर से जाते रहते थे, तो उधर पे जो दीदी थी ना उससे बहुत अच्छा बॉन्डिंग था और वो तो दीदी वो पार्लर ही छोड़ दी। कोई है तो क्या करूँ जाके, उधर जाने का मन नहीं करता है, तो इसीलिए अभी दूसरा पार्लर ढूंढ लिया है हम लोग ने। अब से हम इधर ही जाएंगे क्योंकि रोमी का तो बहुत बढ़िया, अपने उसके पेज पे इसका फोटो वोटो अपलोड हो चुका है बिल्कुल, इतने बड़े लंबे लंबे बाल लेके, और उधर की जितनी भी लड़कियां थी सब आके ऐसे देख रहे बार, जैसे कि कोई म्यूजियम में जो होता है ना ऐसा कुछ देखने के लिए आया है। एक बार मैं भी देखूं दीदी लंबे बाल ऐसे, मतलब अपने कुछ खा के किया है कुछ लगा के किया है, ऐसे कैसे सवाल पूछे जा रहे थे। गाइस मुझे एक बात बताना है कि मैं आप लोगों को बोला था, मतलब बोला था कि मैं ट्रेस्मी शैम्पू यूज करती हूँ, लेकिन अभी मैं चेंज कर दिया ट्रेस्मी शैम्पू। अभी मैं कैसे मतलब किधर पे आ गई पता है, किनी प्लस पे गाइस, किनी प्लस एक प्रोटीन लगाती हूँ। ठीक है जो जो लोग पूछते रहते हो तो बोल दिया ट्रेस्मी अभी छोड़ दिया है, पता नहीं ये तो वो लगाती थी क्या बोलते हैं उसे ऑनियन शैम्पू। हाँ ठीक है मामाअर्थ का ऑनियन शैम्पू लगाते थे, फिर खत्म हो जाने के बाद फिर मुझे मन नहीं किया कि फिर से ये ऑर्डर करूँ, तो इसीलिए अभी मैं ट्रेस्मी छोड़ के अभी क्या है किसी से कि इसने ऐसा लिया है फीडबैक कि क्लिनिक प्लस का जो नया वाला एक प्रोटीन शैम्पू है वो बहुत अच्छा है, तो इसीलिए इसने वो चेंज करके वो लगाना स्टार्ट कर दिया। हाँ और मुझे तो भाई कोई भी चलता है कुछ भी चलता है, जो भी रहता है वही चलता है मेरे लिए। ओके तो चलो गाइस आज का वीडियो इतना ही, आप लोगों से बात किया बहुत दिन बाद हम लोग बैठ के बात किया, बहुत सारी शॉपिंग की है हम लोग ने, बहुत सारी। ठीक है हो गया रखो। अभी नहीं निकालूंगी गाइस एकदम रेडी वेडी जब हो गए तो। और गाइस सासू माँ ने बहुत सारे कपड़े खरीद के दिया है मुझे। हाँ मतलब इस साल बहुत सारा हो, मतलब जो जो साल हम लोग ने बिताया है तो एक एक कपड़े इसको मिल रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों इस साल लोग जमाई मान लिया मेरे को, शायद मुझे ऐसा लगता है इसीलिए सोच रहे कि एक और दे देता इसको एक और। नहीं जब मैं जा रहे हैं मतलब ये तो नहीं जा रहे थे, मैं जा रही थी मम्मी के साथ, मम्मी बोला एक उसके लिए ले ले ये वाला अच्छा लग रहा है ले लो ले लेते ऐसे ही था। ओके तो गाइस आप समझ सकते हो कि पूजा में कितने अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे। ओके देखो और पूजा के टाइम आप लोगों को पता है कि डेली ब्लॉग हम लोग अपलोड करते हैं, तो व्यू जरूर करना और पॉसिबल हो सके तो ही हम अपलोड करेंगे, और नहीं हो सका तो एक दिन बाद तो जरूर अपलोड करेंगे ये पक्का, बट करेंगे यस इतना सोच लो कि षष्ठी सप्तमी तो हम करेंगे, अष्टमी से नहीं पता। ठीक है तो चलो बाय बाय लव यू गाइस टेक केयर।